नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसा होता है कि या तो घर वाले वहाँ पे सेवा करते हैं, चाय पानी जो भी व्यवस्था होती है वो। लेकिन आज यहाँ पे लोअर में मैं आया हुआ था और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इस प्रकार सेवा कर रहे थे कि समझ लो कि इस कार्यक्रम का आयोजन करता वही हो। उसमें अगर हम बात करूँ तो ये इन्होंने एक बैग के अंदर भर रखे हैं जो है लोटे, ये अपने तांबे के लोटे हैं और ये पानी पिला रहे थे। क्या इन लोगों की मनसा है, क्यों इस प्रकार लोगों को पानी पिला रहे थे? और जैसा मैंने पता किया कि ये इस गांव के भी नहीं है, कहीं बाहर से हैं और ये इस प्रकार की एक मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार जो है जागरूक किया जाए। पुराने अपने जो बुजुर्ग होते थे वो इस प्रकार के तांबे के बर्तनों के अंदर पानी रखते थे, इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो सारी इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं सीनियर इंग्लिश टीचर हूँ। अच्छा, आप टीचर हो? मास्टर तो मैंने काम और कम ही करा है, थारा वो कुकर के दीजिए। मास्टर तो जब करेंगे बच्चे देखेंगे कि गुरुजन ऐसा काम कर रहे हैं पानी, इसका मतलब बहुत बड़ा काम है। तो मास्टर थोड़ा सा मतलब कड़ी शादी ब्याह में जाने मतलब मान के गुरु जी आया भाई चेला चपटा हुआ काम करना और करते, पर थे वो एक अलग थलग मतलब शिक्षक खुद बच्चों के साथ। मास्टर को मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे मिलने वाले जैसे बुद्ध राम जी ऐसी भी। आप तो यहाँ पे मेहमान थे, आप इस गाँव के? मैंने देखा आप इस गाँव के? मैं थे इस गांव के, तो इस गांव आप भी शिक्षक हो? हम किसी तो आपके मेहमान आए और मतलब जैसे वो बोलते हैं मेजबान की तरह सेवा कर रहे थे। ओम जी के बारे में पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। ओम जी खम्मू राम जी की पर्यावरण टीम का एक हिस्सा है। अच्छा, और खम्मू राम जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किया, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व है। खम्मू राम जी ने प्लास्टिक बिनना शुरू किया था और आज उनका नाम बहुत बड़े स्तर पर है। खम्मू राम जी की टीम से प्रेरणा लेकर के ओम जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। ओम जी फलोदी के अंदर गलियों में जाके प्लास्टिक बिनने का काम कर रहे हैं, जो जहां हम हाथ डालना पसंद नहीं करते, शिक्षक होकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज यहाँ आए हैं तो अपनी छुट्टी लेके आए हैं, संडे को या छुट्टी के बाद ये सब काम करते हैं। सबसे बड़ी छुट्टी कंज्यूम करते हैं और आज जैसे वैसे ये सामाजिक कार्य जो है और साफ से बहुत शानदार काम किया है पर्यावरण क्षेत्र में। और ओम जी का एक और मिशन है कि जिस शादी समारोह में अफीम डोडा की मनवार नहीं होगी, वहां मैं पूरे दिन मेरी पूरी टीम के साथ तांबे के लोटों से पूरी सभा में पूरे प्रीति भोज के अंदर पानी पिलाऊंगा। और हम सब लोग जो हैं इनकी टीम का हिस्सा है और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि भाई देखो कोई व्यक्ति परमार्थ के लिए जीता है। सही बात है। और कितना बड़ा मिशन लेके चलते हैं, कितने इनके अच्छे भाव हैं कि भाई जो व्यक्ति अफीम की मनवार नहीं करेगा, सार्वजनिक रूप से नशे की मनवार नहीं करेगा, उनके वहां मैं जाऊंगा और पूरे दिन सेवा करूंगा। हमारा बहुत सुंदर, इससे लोगों को क्या मोटिवेशन भी होगा कि लोगों को बहुत मोटिवेशन होगा। एक मतलब दो तरह के मोटिवेशन होगा, एक तो जो लोग इनसे प्रेरित हैं वो इनको बुलाएंगे, दूसरा जो आलसी हैं कि भाई ये काम करने मजदूर मिल गया, कपड़े की थैली भेंट करना। अच्छा। और तांबे के लोटों से पानी पिलाना, दूल्हा और दुल्हन को देते हैं। दूल्हा और दुल्हन से एक मैं अगर दो आइडियोलॉजी लूं आपके कि भाई एक तो ये हो गया कि आप आपको जो चाहते हैं वो लोग बुलाएंगे, एक दूसरे लोग ये भी होंगे कि भाई काम करने वाला आदमी तो मिले, कम अमल देवनो बंद कर। बिल्कुल, ये शर्त रखते हैं हम पहले कि भाई आप नशा नहीं बांटो। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि हमारे पांच आदमी की मदद मिल जाएगी और हम मदद ऐसे करते हैं कि उनके साथ साथ हम एक ऐसा काम करते हैं जो अतिथि आते हैं ना उनका हम उससे बढ़िया आवभगत करते हैं और मतलब उनको आना बैठना, आप पानी पी लिया तो आप जाओ खाना खाने के लिए, इस प्रकार के हम चलते चलते एक मुहिम शुरू की। मुहिम शुरू की ताकि पर्यावरण के लिए ये काम काफी वर्षों से कर रहे हैं और ये मुहिम एक मतलब आपको लगा कि इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारा विष्णु समाज है ना वो एक स्पेशल समाज है, क्योंकि गुरु जाम्बू जी ने हमें 550 वर्ष पहले एक स्पेशल बना दिया और हम गर्व करने वाली बात है दुनिया के अंदर 363 लोग पेड़ों के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए उस जमाने में, हम तो अभी दुनिया में ये हाव वो हो गया लेकिन हमने 363 लोगों ने हमारे समाज के, तो हमें गर्व होता है और उनकी बात को जन जन तक देश दुनिया में और वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं, साथ साथ वृक्षारोपण भी करते हैं, दूल्हा दुल्हन को पेड़ भेंट करते हैं। अब अभी तक कितने शादी विवाह वगैरह इस प्रकार के फंक्शन आपने ये काम कर दिया? देखिए सर, हमने सबसे पहले हमारी शुरुआत तो परमाणु नगरी पोकण से हुई। अच्छा। उसके बाद में हमने सर्व समाज में गए, हर समाज में गए, फलोदी में गए, बाप में गए, ढाणियों में जाते हैं और विष्णियों में। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा? इतना जबरदस्त है और जब भी मिलते हैं फोन करते हैं, हमारे पास डिमांड आ जाती है और हमने उनको यहाँ कह दिया भाई कि आप तो छुट्टी के दिन हमें मिलेगा टाइम उस दिन आएंगे। आप लोग क्या भाड़ा किराया उनसे लेते हो? नहीं, एक पैसा नहीं लेते हैं, ये हमारे से क्यों? क्योंकि कुछ लोग का आनंद आता है कि भाई हम नशे में खर्च करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा आनंद ये है मनोरंजन करना, मतलब ये हमको हमने इसको एक सेवा को एक मनोरंजन के रूप में ले लिया है, आनंद आता है इसलिए हम सेवा को मनोरंजन के रूप में जोड़ी। अब देखे आप पूरे दिन देख रहे थे तांबे के लोटो से पानी पिला रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बात कर रहे थे आनंद। ये जितने यहाँ पे शिक्षा सेमिनार था और यहाँ पे
क्योंकि एक तरह से शिक्षा सेमिनार था, तो बच्चों को प्रेरित करने वाला, शिक्षा के प्रति उसके साथ साथ मतलब अच्छे अच्छे मैसेज गए हैं कि भाई यहाँ पे किसी प्रकार का नशा पता, हमारे टीचर पिला रहे हैं जल, तो हमें भी पिलाना चाहिए, भूख दे करके पानी पीना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, उन बच्चों ने ये चीजें देखी है, मुझे पूछा, आपके हाथों से भी पढ़े लिखे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि कैसे, तो मैंने कहा अगले साल मैं लेक्चर बन रहा हूँ, आप लो आउट में आऊंगा, ये मैंने भी कहा है। तो बहुत सुंदर, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। डीपीसी होने वाली है नेक्स्ट टाइम, अच्छा अगली साल ही। तो मैं वैसे 2005 में मेरे दिमाग में आया कि हम आपके ये पानी पिलाते देख के कुछ बच्चे भी खड़े हुए आप लोगों के सहयोग। बिल्कुल, बहुत बच्चे का इतना ज्यादा जुनून है, वास्तव में जुनून है। जैसे सोन जी है, ये मतलब कोई भी है, मदन जी शिक्षक है हमारे साथ में, एतराम जी प्रिंसिपल है, मोहन राम जी है सीनियर टीचर है, ये भी मैथमेटिक्स के मदन लाल जी पलीना से, ये हमारे पूरा समर्पण भाव से सेवा देते। कैसे कैसे मतलब बच्चों का क्या रिस्पांस है शिक्षकों? ये मेरे कार्यवाहक प्रधान अध्यापक रह चुके हैं, बच्चों का हम सबको शिक्षक काम करते हैं, तो बच्चे हमसे देख करके बच्चे भी अनुसरण, फिर भी उनके अंदर ये नहीं रहता कि भाई ये काम छोटा है। हाँ, बच्चों में क्या डर रहता है कि हम को नीचे समझेंगे इसका, तो मैं उदाहरण बताऊं दो तीन छोटे छोटे, एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। जैसे मेरे प्रधान अध्यापक ने बोला कि ओम जी के आपको हरिजन बुला करके गटर साफ करना है, तो मैंने कहा ये जिंदगी भर का एक मामला साफ कर दें, तो करो ओम जी, बहुत बढ़िया है। तो मैंने जाकर के बच्चों को साथ में लेकर के, वैसे बच्चों का अलग अलग था, तो मैंने स्कूल का साथ में लेकर के गया, तो अंदर क्या था, छोटे बच्चे होते हैं जब पानी की सुविधा कम होती है ना, तो वो फर्श पर बैठ जाते हैं, तो कुछ नहीं था, दो चार जगह था लेटरिन, तो मैंने वो पावड़े से रेत डाल करके बाहर कर दिया, पानी डाल दिया, साफ कर दिया। बच्चों ने कहा हम करेंगे, तो मैंने कहा आज तो मैं कर दिया, आगे बार आप करोगे, आज कोई समस्या नहीं। आज वो तो फिर गंदगी फैलेगी भी नहीं, सफाई वाले को मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्यों, कुछ लोग कहते हैं कि वो हम गंदगी फैला, गंदगी वाला आ गए, गंदगी वाले। अरे भाई गंदगी वाले नहीं है, गंदगी वाले तो हम हैं जो फेंकते हैं, वो तो सफाई वाले। बहुत सुंदर दोस्तों, इस प्रकार के भाव अगर शिक्षक लेके चलेंगे, और आप लोगों का बहुत सुंदर प्रयास है, और इनका प्रयास ये है कि जहाँ पर भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होंगे, वहाँ पे जहाँ पे नशा पता जो नहीं बांटेंगे, जो परिवार उन लोगों में जाने का प्रयास करते हैं छुट्टी के दिन, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तांबे के बर्तनों के अंदर पानी पिलाना और बहुत सारी जो है सेवा कार्यों के अंदर ये सहयोग करना, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और बहुत बीरमा राम जी भोज साहब, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मरु मेले में साथ थे, हर जगह जाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, ये सब आप शिक्षकों का आशीर्वाद। बिल्कुल, अजमेर के अंदर आजाद पार्क में भी हमने लगाई थी 75x45 का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विद खमू राम जी के प्रेरणा से, और आज भी हम जहाँ भी जाते हैं खमू राम जी को कह करके जाते हैं, खमू राम जी बार बार हमें पूछते ही रहते हैं, मतलब उनका भी अनुभव है हम साझा करते हैं। तो खमू राम जी का बहुत बड़ा, अभी तक तो हम खमू राम जी के 5% नहीं बन पाए, इतना खमू राम जी के बहुत टैलेंट है सर। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम। ठीक सर, धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक।